निकाल के यहाँ आए, जैसे सिर्फ पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन की थी, आपको मैसेज की थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी, आज हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज जम्मू कश्मीर अफेयर्स माननीय अविनाश राय खन्ना प्रेस के साथ मीट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं आ सके। मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्टेट के नायब सदर, मैं तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया को मुबारकबाद देना चाहूंगा और खुशामदीद करना चाहूंगा कि आज जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री अविनाश राय खन्ना जी, जो गुजरात, राजस्थान और रियासत जम्मू और कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, की वजह से वो एयरपोर्ट से वापस चले गए और फिर मैंने उनसे फोन पे बात करी। उन्होंने अपने लीडरों को फोन पे ही जो है अपना भाषण दिया। बार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, पांचवी बार वो हमारे कश्मीर में आ रहे हैं और यहाँ पे उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनका उद्घाटन करना है, जैसे कि एम्स ओंतीपोरा में उसका इनॉग्रेशन करना है, जैसे सुभाग्य के तहत जो है एक योजना है जो हर गरीब को बिजली मिले, हर उस फार फ्लंग एरिया के रहने वाले को बिजली मिले, जो 100% जो है बिजली उनको मिलनी चाहिए, उसका इनॉग्रेट वो करना जा रहे थे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने वो करके दिखाया है। जैसे कि उनको अपील करने के लिए दौरा किया जा रहा है यहाँ का, जो नाम नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखिए जम्मू में भी एम्स है, यहाँ पे भी एम्स है, जम्मू में भी आईटी है, यहाँ में भी आईटी है, हर जगह पे एक ही वो उनकी नजर है। जैसे नरेंद्र मोदी पहले दौरे पे यहाँ है, उन्होंने 80,000 का पैकेज जो है यहाँ ऐलान कर दिया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 3 लाख करोड़ जो है यहाँ पे पैसा आ गया है। मुझे नहीं लगता है कि उनके नजर में कोई भेदभाव है जी। और कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट को बंद किया जाएगा, क्योंकि आप भी यहीं से इलेक्शन लड़ते आए हैं बेलगाम कॉन्फ्रेंस, तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही ऑल आउट जो है शुरू किया था, ऑल आउट जो है खत्म करने का इरादा उन्होंने ही रखा था, उन्होंने यहाँ पैलेट भी लाए थे। आज वो ग्रास रूट में बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। आज वो कुछ भी बयान देते हैं तो उनके बयान पे लोग अब उतना जो है भरोसा नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2009 की आप अगर आपको याद है, 2010 में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिना ही रोशनी से महरूम कर दिया है, बहुत सारे लोग मरे हैं। तो शुरुआत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन में जाना है तो इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। नहीं, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी में उसका उसमें कोई रोल नहीं है, वो सरकार का है, वो जो है आर्मी का है, तो उसमें हमारा नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है खून खराब हो, हम चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, पीस। देखिए उसमें बहुत सारी एजेंसियां होती है, अपसभा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लाया है और पीडीपी ने भी यहाँ राज किया है, तो उनके दौर में भी अपसभा था, कांग्रेस ने भी राज किया उस वक्त भी था, और ये आर्मी जनरल का काम है, यहाँ की एजेंसियों का काम है। जहाँ जहाँ उनको कोई डिस्ट्रिक्ट अगर मिलिटेंसी मुक्त होता है तो वहाँ से वो कर लेते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। होना चाहिए, देखिए रियासत जम्मू कश्मीर एक है, एक स्टेट है। पहले एक परंपरा थी कि डीजी अगर मुसलमान होगा तो चीफ सेक्रेटरी हिंदू होना चाहिए, वो परंपरा यहाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए रियासत जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है, एक स्टेट है, यहाँ मुसलमान भी राइट रखता है, हिंदू भी राइट, उसको भी हक है और सिख को भी है का हक है। कोई भी किसी भी इलाके का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो उसमें लोगों का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सर आपका कहना है हिंदुस्तान कश्मीर हिंदुस्तान का, देखिए वो तो पाकिस्तान की साजिश है ना भैया, पाकिस्तान ने सुनिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान ही पत्थरबाज को पैसा मिल रहा था ना, ये पाकिस्तान करा रहा है। पाकिस्तान खुश नहीं होता है कि यहाँ हिंदुस्तान में तरक्की हो, डेवलप हो। थैंक यू वेरी मच।